Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Hi, my dear children. कैसे हैं आप? भाई धूप में खड़े होना, वो भी सर्दियों के दिनों में, ऐसे लगता है कि गॉड हमें सीधा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. एंड यू वोंट बिलीव, अगर आपको कहीं हल्की सी बॉडी एक हो रही है, ठंड लग रही है, शिवरिंग लग रही है, या आपको हल्का सा खांसी जुकाम है, आप धूप में दो मिनट के लिए आ जाओ और ये अपनी रूटीन बना लो, तो देखो सारी पेन, सारा जुकाम, सारी खांसी छूमंतर हो जाएगी. तो बहुत सारी जानकारियों के साथ आज मैं आई हूँ आपके पास. भाई मैंने इतना ज़्यादा खजाना अपने पास जमा किया है, मुझे कितनी जगह पर घूमने का मौका मिला और मेरे बच्चों ने क्या कमाल किया है. आई एम प्राउड ऑफ माई डिप्सियंस. तो चलिए इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें करूंगी और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और साथ साथ में बताऊंगी मेरे डिप्सियंस आजकल क्या कर रहे हैं. मोनिका मेहता के साथ आप एंजॉय करने जा रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. माई डियर चिल्ड्रन, मुझे पता है आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट. मुझे पता है मेरे बच्चों ने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है, टाइम टेबल बनाया है और उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं. चलो आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. मैं गई डिप्स हरियाणा भूंगा में, एक छोटा सा बच्चा कैसे मुझ पे इतना फेथ करने लग गया कि अपनी कंप्लेंट आगे मुझे बता रहा है. यूजुअली बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, मगर उसने क्या मेरे साथ बातचीत की है मैं अभी आपको सुनाती हूँ. वॉच कीजिए. क्या हुआ? जब मैं चेयर पे बैठने लगी थी ना, तो किसी ने मेरी चेयर खींच ली थी और मैं नीचे गिर गई थी. ओह माय गॉड. तो फिर दुख हुआ? दुख हुआ? हुई नहीं. अच्छा, फिर आप मेरे को बताने आ गए. थैंक यू. कोई बात नहीं, अब कोई चेयर खींचेगा ना, मैं उसको बोलूंगी ऐसे नहीं करना. बाय स्माइल. माय डियर चिल्ड्रन, ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है. तभी कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है और सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है. कटक ओडिशा, वहाँ पे एक रिक्शा पुलर को एक लेडी ने 1 करोड़ रुपया डोनेट किया. 1 करोड़. क्यों? क्योंकि उस रिक्शा पुलर ने ना दिन देखा ना रात, ना सर्दी देखी ना गर्मी, ना बरसात देखी, ना कोला देखा, ना कोहरा देखा, कुछ भी नहीं देखा. और उन्होंने उस लेडी की और फैमिली की इतनी खिदमत की, हमेशा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की. और देखिए उस लेडी ने उसको 1 करोड़ का चेक दिया. और ऐसी मिसाल कायम की कि अगर आपके पास है तो किसी की हेल्प करनी चाहिए, और किसी ने थिक एंड थिन में आपको प्रोटेक्ट किया है तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी नीड्स का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है. इतने अच्छे एग्जांपल्स लोग सेट करते हैं ना कि खुद को लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए. तो अपनी जो स्वेटर्स हैं जो आप नहीं यूज़ करते हो, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, मिटन्स हैं, मफलर्स हैं या ग्लव्स हैं, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ उन बच्चों को जो नंगे पाँव भागे फिरते हैं सड़कों पर, जिनके पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको दीजिए. देखिए कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है. लोग क्या करते हैं कि अपना वेट कंट्रोल रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए घर में रखते हैं ट्रेडमिल्स और उस पर भागते हैं सुबह सुबह और उसके बाद लेमन वाटर पीते हैं. हमारे बच्चों को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी गेम्स हैं. उनके पास हाइड एंड सीक है, पकड़न पकड़ाई है एंड पिट्ठू गोल गरम है. हम इनको इतनी इंडोर गेम्स खिलाते हैं क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ वैसे ही बिल्टअप रहती है. तो चलिए आपको लेके चलती हूँ दिपसुरा नसी, जहाँ पर कल धमाल के साथ बच्चों ने इतने अच्छे एक्टिविटी की, मजा किया और उनके पेरेंट्स का हमारे पास इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया. कम विद मी. वही छुप जाना, जहाँ भी जी चाहे वही
वरना पड़ेगा पछताना। राजे की बेटी आई है, लुक छुप जाना मकई का दाना। राजे की बेटी आई है, बोलो बच्चों क्या मैं आऊं? आऊं? बोलो बोलो क्या मैं आऊं? अरे बोलो बच्चों क्या मैं आऊं? लुक छुप के गुड़िया बैठी, लुक छुप के गुड़िया बैठी, पेड़ के पीछे घबरा। डियर चिल्ड्रन, मैं कई बार सोचती हूँ कि जो ये ड्रोन बनाए जाते हैं या कोई ऐसे जेट्स बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं जो कि रडार पर नहीं आते, हम दुश्मन के जो जेट्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो रडार पर नज़र ही नहीं आते हैं, तो ये सिस्टम कहाँ से हमने अडॉप्ट किया होगा? अब मेरे को पता चला है, रिसर्च हुई है कि जो आउल्स होते हैं, उल्लू, वो जब फ्लाइट करते हैं, अपनी फ्लाइट लेते हैं, उड़ते हैं, तो उनका ज़ीरो साउंड होता है, बिल्कुल। हज़ारों माइक्रोफोन लगाकर ये टेस्ट किया गया है कि जब आउल उड़ता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। शायद इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए ऑल द कंट्रीज़ दे आर मेकिंग सच एयरक्राफ्ट्स एंड हूवर्स जिनका कि कोई रडार पे आता ही नहीं है, और कब वो स्पाइन करके चले जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। खैर, मैं आपको बताती हूँ, दिस करोल बाग में हमने एक एक्टिविटी की, यस नो, एक बॉक्स में उन्होंने रखा ऐसा ईटेबल्स कि बच्चे को बताना था बिना देखे कि यू विल से यस और नो। बच्चों ने ऐसे ही किया, तो किसी ने यस किया चिप्स के लिए, किसी ने यस किया मिर्ची के लिए, किसी ने यस किया लेमन के लिए, उनको अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चला। एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्टिविटी दे हैव कंडक्टेड। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, कम लेट्स गो टू करोल पार्क। Today we do activity different type of taste, different type of taste. Okay, my dear children, tell me, yes or no? Yes. Okay, take it. Which taste is this? Yes, which taste is this? Wow, it tastes salty. Come on. Okay, my dear children, tell me. Yes or no? Yes. Okay, now take it. Okay. Now taste it. Which taste is this? Salt. Yes. Which taste is this? Salt. Come. Now. Okay, my dear children. Tell me. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Okay, take it. When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it, clap your hands. ये वाली पोएम जब मैंने क्लास फर्स्ट में करवाई डिप्स हरियाणा बूंगा में, तो बच्चे दे वर सो हैप्पी, उनमें इतना जील था, इतना मज़ा किया, और उनके साथ मुझे लगा ही नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं उनका ही हिस्सा हूँ। चलिए लेट्स गो टू हरियाणा भूंगा, जहाँ पे हमारे बच्चों ने किया जिग जैग विद मोनिका मेहता, स्पेशली फॉर यू ऑल, लेट्स एंजॉय। यू नो व्हेन यू आर हैप्पी एंड योर स्माइल इज दिस मच बिग, यू वांट पीपल टू नो अबाउट इट, हाउ दे विल कम टू नो? Through your face, your expressions, your actions. So, when you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, and you're ready.
and you know it, clap your hands. Are you happy and you know it, say hooray! Hooray! Are you happy and you know it, say hooray! Hooray! And you happy and you know it, and you really want to show it, and you happy and you know it, say hooray! Hooray! जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए कि वो जो दिल में एक छोटा सा बच्चा है उसको कभी बड़े नहीं होने देना, क्योंकि फिर आपकी शरारतें ख़त्म हो जाएंगी। शरारतें ख़त्म हो जाएंगी तो मज़ा चला जाएगा, जैसे कि दांत चले जाएं तो स्वाद चला जाता है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हम अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करते रहें टिल आर लास्ट ब्रेथ। मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, आप भी मेरे साथ करोगे ना। एंजॉय करते जाइए डिप्स ब्रॉडकास्टिंग। ये सारी खुशियाँ, ये सारी नॉलेज, ये सारा विजडम ओनली फॉर माई चिल्ड्रन जिन्होंने कल जाकर देश को संभाला है। लव यू ऑल, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय। तुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए एक पैरेट लेके आएंगे और मैं इसका नाम मिट्टू रखूंगा। मिट्टू? हाँ मिट्टू। वो कहाँ रहेगा? मेरे घर में। मैं इसके लिए बड़ा सा घर लेके आऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। मिठू ने कुछ बोला? हाँ, वो जिस दिन से आया है ना, एक ही बात बोल रहा है। कौन सी बात? बोलता है तू मेरा दोस्त है ना, मुझे एक बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए जान दे, शाम तक वापिस आ जाऊंगा। वो कहाँ रहते हैं? वो बहुत दूर जंगल में रहते हैं। तूने क्या बोला मिट्टू से? मैंने बोला उस जंगल में किसी ने आग लगा दी। यानी अब मिट्टू अकेला है? मैं और तू है ना मिट्टू के साथ। हाँ मिट्टू।
जिस दिन शायद ना एक ही बात बोल रहे हैं।